लंबा खाना करना चाहते हैं ना, तो आज का डे अवे स्किप करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आपने आज का डे अवे स्किप कर दिया ना, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे। एक ऐसा डी आई वाई जो आप दिया लेके ढूंढेंगे ना, तो ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। अरे दी, आप तो हर रोज ही ऐसी बातें बोलते हैं, आप तो हर एक डी आई वाई के लिए ऐसा ही बोलते हैं। जी हाँ, मैं हर डी आई वाई के लिए ऐसा बोलती हूँ, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें होती है ना, वो इतनी मैजिकली तरीके से बालों पर काम करती हैं ना भैया। आपके बाल, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि जादू हो जाएगा, लेकिन आपके बाल लंबे घने बनते शुरू हो जाएंगे। जो ये मेरे बाल इतने लंबे हुए हैं ना, ये जेनेटिक नहीं है। बहुत सारी लड़कियाँ बोलती हैं कि जेनेटिक है, जेनेटिक है, जेनेटिक है। नहीं, अगर मैं 7 पीढ़ियों तक भी देखूँ, जैसे कि डिस्कस करते हैं कभी कभी बैठ के, तो किसी के भी इतने लंबे बाल नहीं थे। मेरे ही क्यों हुए? क्योंकि मैंने इतनी सारी केयर की है अपने बालों के लिए, अपने बालों पर इतनी सारी नेचुरल होम रेमेडीज लगाई हैं, तब जाके ये इतने लंबे हुए हैं। और आपके भी हो सकते हैं, अगर आप पूरी शांति के साथ, इत्मीनान के साथ, विश्वास के साथ रेमेडीज लगाते हैं, नेचुरल रेमेडीज लगाते हैं। प्रोडक्ट के पीछे मत भागें, सिर्फ नेचुरल होम रेमेडीज लगाएं। और नेचुरल होम रेमेडीज भी ये नहीं है कि वीक में आप जितनी बार हेयर वॉश करते हैं उतनी बार ही आप चेंज कर देंगे। नहीं, एक या दो रेमेडी आप ट्राई कर सकते हैं लगातार, लेकिन 3 या 4 रेमेडी आप लगातार नहीं लगा सकते। एक रेमेडी आप 1 महीने के लिए लगा सकते हैं, मैक्सिमम 2 महीने के लिए लगाइए। ये नहीं है कि 10 दिन एक रेमेडी, 20 दिन एक रेमेडी, 30 दिन एक रेमेडी, ऐसा नहीं करना है। एक रेमेडी के साथ रहना है, पूरा रेमेडी के प्रति विश्वास दिखाना है, और फिर देखिए वो रेमेडी कैसे आपके बालों में काम करती है, ऐसे चुटकियों में काम करी जाएगी। आज का जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है आपका पैन। आपको पैन लेना है, पैन के अंदर आपको लेना है 1/2 गिलास पानी। फिल्टर पानी का यूज करेंगे तो बेस्ट होगा, क्योंकि वो हम पीते हैं तो अपने बालों पे भी हम उसको लगा सकते हैं। तो उसके बाद आपको लेना है मस्टर्ड सीड, यानी कि सरसों के बीज। इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, अदरवाइज हम सब्जी में भी इनको डालते हैं, हम इनको खाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम इनका यूज करते हैं। अब मस्टर्ड के बारे में मैं आप लोगों को क्या ही बोलूं? दादी नानी से आपने सुना होगा, अगर आपके घर में दादी हैं तो वो भी बोलती होंगी, अरे क्या कर रही है, इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर रही है मार्केट की, सरसों ऑयल लगाना, क्योंकि सरसों ऑयल से है ना बाल मजबूत बनते हैं, काले बनते हैं, घने बनते हैं, लंबे बनते हैं, तो क्या कर रही है, एक सरसों ऑयल नहीं लगा सकती? तो वो सरसों के बीज आपके बालों में मैजिक कर देंगे। आपको लेना है फिर उसके बाद तिल। कौन से तिल? वाइट तिल। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वाइट मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। विश्वास करके लगानी है रेमेडी, ये नहीं कि आप देखेंगे और बहुत सारी लड़कियाँ स्किप कर देंगी और छोड़ के चली जाएंगी, ट्राई जरूर करनी है। अच्छा, जो ये सीड है, आप ये भी 2 कलर में आता है, सेस में भी, वाइट में और ब्लैक में, कोई भी सीड है आप ले सकते हैं। ये आपकी जड़ों को मजबूत बनाएगा, अमेजिंगली तरीके से आपका काम करेगा। जितने अपने मस्टर्ड लिए हैं, यानी कि 2 चम्मच, तो 2 ही चम्मच हम यहाँ पे लेंगे तिल के बीज। अच्छे से पकाना है, बिल्कुल अच्छे से। आपका जो पानी है ना, वो हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। किसकी वजह से गाढ़ा होगा? तिल की वजह से। तिल में थोड़ी सी थिकनेस होती है, जब आप इसको उबालते हैं ना, तो पानी का जो कलर है वो उसमें हल्की सी थिकनेस आ जाती है, भारीपन सा आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पानी भारी बन जाएगा, वो आपके बालों में साइड इफेक्ट करेगा, नहीं। तिल अपने जो पावर है वो पानी में छोड़ रहा है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट जो है आपको लेना है, 3 या 4 मिनट हो गए आपको पकाते, फिर आपको सिनेमन लेना है, दालचीनी। स्टिक है तो स्टिक का यूज कर सकते हैं, पाउडर है तो आप पाउडर का यूज कर सकते हैं। मैं इस ब्रांड का पाउडर यूज कर रही हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं इसको दूध में डाल के पीती हूँ, मैं इसके बहुत सारी चीज़ों में ट्राई करती हूँ, क्योंकि जो सिनेमन है वो आपकी बॉडी को प्योरीफाई करता है, आपकी जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके स्कैल्प पे जो भी डैंड्रफ है, फंगल इन्फेक्शन है, उसको दूर भगाने में आपकी मदद करता है। ये पतली सी लकड़ी, जो ये पाउडर है लकड़ी का, ये बहुत अच्छा है आपके स्टमक के लिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ते हैं, तो इसे ट्राई कीजिए, आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम चली जाएगी। तो हमारा जो मिश्रण है वो बिल्कुल अच्छे से आपको पकाना है। कितने मिनट तक? 5 या 7 मिनट तक, आपको 10 मिनट तक मैक्सिमम आप इसे पका लेंगे बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए कैसे खदक 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 करके, आपको तो आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे आ रही है, खदक खदक हो रही है इसके अंदर। ये अच्छे से मतलब कि उबल रहा है, अच्छे से सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपना जो पावर है वो पानी को दे रहे हैं। जा अभी पानी के अंदर जा, अच्छे से मिक्स हो जा, और जब जो कोई भी तुझे बालों पे लगाएगा उसके बाल लंबे और घने करके आ। तो या कर लिया ना, फिर आप इसको रख देंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आप एक साफ सा खाली सा कंटेनर आपको लेना है, और उसके अंदर आप इसको छान लेंगे। ठीक है, छान लिया सबने? आप कैसे छानेंगे, वीडियो देखते देखते, तो छान लेना है। उसके बाद आपको लेना है आपका ऑयल, जो भी ऑयल आप यूज करते हैं, मस्टर्ड, कोकोनट, ओलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, जो भी आप ट्राई कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कौन सा लिया है? मैंने एक आंवला हेयर ऑयल घर पे प्रिपेयर किया था, आप लोगों को याद हो, बहुत सारी लड़कियों ने भी बनाया था, जाके चैनल पे जाएं और देखें मैंने आंवला हेयर ऑयल कैसे प्रिपेयर किया था। तो इसकी 1 चम्मच मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। तो हमारी रेमेडी कंप्लीट, बन के तैयार, और कोई इंग्रेडिएंट्स आप इसके अंदर नहीं डालेंगे, आपको इसे लगाना है। ओके, लगाना कैसे है आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं।
फिंगर से लगा सकते हैं, कॉटन से लगा सकते हैं, स्प्रे बोतल में लगा सकते हैं, बस ये आपको किसी भी तरीके से अपने बालों पे लगाना है, अपने स्कैल्प पे लगाना है अच्छे से मसाज करते हुए, ओके। अगर आपने बालों पे ऑयल लगाया है तो भी आप इस DIY को लगा सकते हैं, अगर आपने बालों पे ऑयल नहीं लगाया है तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल होगा आपके बालों के लिए, जब आप इसको लगातार 30 दिन के लिए यूज करेंगे, 1.5 महीना जब आप लगाएंगे, तो आपको आपके बालों की लेंथ तो इंक्रीज हुई मिलेगी, आपको आपके बालों में भारीपन दिखेगा। देखिए एक बात मान के चलिए कि कोई जादू नहीं है कि आपने लगाया रातों रात बाल लंबे हो गए, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत, मेहनत करके DIY बनाना पड़ेगा, मेहनत करके लगाना पड़ेगा। और सेकंड जो चीज़ है, आपको सब्र रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि कोई जादू नहीं है, ये काम करेगा 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में। एक DIY लगातार आप 3 महीने के तो लिए तो एटलीस्ट लगा के ही देखिएगा, क्योंकि उसको 3 महीने लग जाते हैं अपने पूरा काम करने में आपकी स्कैल्प के ऊपर। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, वीक में आप इसको 3 बार ट्राई कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट के लिए। ये तो बताया ही नहीं कि कब लगाना है, आप इसको रात में लगाइए, रात में प्यारी सी चिंपी करके सो जाइए, चिंपी करेंगे ना तो माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा, नींद भी अच्छी आ जाएगी, और जो ये DIY है ये भी अपना पूरा काम आपकी स्कैल्प पे कर पाएगा। रात में लगाइए, चोटी बनाइए, सो जाइए, सुबह उठ के वॉश कर सकते हैं, पूरी रात भर नहीं रख सकते तो पूरा दिन आप इसको रखिए और सुबह उठ के आप अपने बाल वॉश कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से ट्राई करना है, ट्राई करके फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, इंस्टाग्राम पे आप बता सकते हैं, बस ट्राई जरूर करना है आज का DIY। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। बीच बीच में जीभ है ना, पता नहीं कैसे कैसे बोल जाती है, क्योंकि देखिए रिसर्च लगाए ना, पता नहीं मैं भी उठपटांग क्या बोल जाती हूँ। तो या पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।